हो रहा है ज्यादा गंदगी वहाँ खराब हो गया, चलता हमने की तबियत खराब हो जाता इससे बतिया ये उसी नहीं आ रहा है वो। आप गाड़ी चढ़ा दीजिए क्या शरीर पे? निगम से आदेश आया है। निगम? हाँ जी। नगर निगम का थ्रू आप आए जी? नगर निगम से क्या मतलब कि कौन अधिकारी कोई भेजे आपको या कौन? सॉरी, निगम से आदेश मिला था जी, तब लाके फेंक रहे हैं आप जी? अपना मन से हम कहीं अपनों 6-7 दिन पहले या जो गिराया हुआ था ये रोड पर, हम लोग विरोध किए थे कि तो क्या हुआ था? जा रहे देखिए कचरा, देखिए किस तरीके का कचरा ये भैया। आप तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप ही के लिए हम लोग आवाज़ आप लोग नहीं उठाइएगा, आप लोग सामने नहीं आएगा, इसी कचरा फेंक के कोई चला जाएगा और उसका उसका हर जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग का घर यहाँ पे पास नज़दीक में, मेरा घर नहीं है यहाँ पे, घर आप लोग का है यहाँ पे, आप लोग इस रास्ते से जाते हैं, हम मेरा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन घर आपका यहाँ से मान लीजिए कितना दूर होगा आपका यहाँ से घर? आपको नगर निगम की ऐसी खौफनाक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आरा के दौलतपुर से। आरा नगर निगम के जितने प्लास्टिक के कचड़े हैं वो यहाँ पर ले जाके दौलतपुर यानी सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, और इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए नगर निगम की गाड़ियाँ फेंक के उस तरफ जा रही है लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे फेंका जा रहा। आप लोग दौलतपुर के रहने वाले हैं, इतना बदबू मार रहा है यहाँ पे, बताइए। हमारे तो हजार रोहल ना जाते रहे, आग लगा दिल सकी साला वो धुआं से रहे। आप लोग इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपके परिवार के बच्चे उच्चे जाएंगे इधर पे, मान लीजिए रोग के घरे बा ले जाएगा बीए चाहिए उन्हें। आप देखिए एक और आरा नगर निगम की जो गाड़ी है, आप आइए और देखिए कि कैसे आरा निगम का जो कचरा है नगर निगम का वो यहाँ पे रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। ये प्लास्टिक के कचड़े हैं, ये डिस्पोज जल्दी नहीं होंगे, इसके ऊपर मिट्टी तो डालना पड़ेगा इनको, लेकिन ऐसे ही खुले में फेंक दिया जाता है। आइए हम इनसे पूछते हैं क्या किसके आदेश पे ये लोग कचरा फेंकते हैं। आप लोगों को कौन आदेश दिया है पर कचरा लगे फेंकने के लिए? बात करिए। ए रुके रुके, कौन आदेश दिया यहाँ पर कचरा लाके फेंकने के लिए? निगम से आदेश आया है। निगम से? निगम से किसने आदेश दिया आपको? आए निगम से किसने बताया? ये सीनियर है वो। आप गाड़ी चढ़ा दीजिए क्या शरीर पे? देखिए ये लोग बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, बदबू एकदम इतना जोर से आ रहा है। आइए जेसीबी वाले से पूछते हैं। एकदम रुकिए दो मिनट, इन शीशा खोलिए, पूछते हैं आप थोड़ा सा रुकिए दो मिनट। बोल रहे हैं कि ये कचरा फेंकने के लिए निगम से कौन परमिशन दिया आपको? भैया देखिए हम लोग के बोला गया कि बोल रहे थे दौलतपुर के आगे कचरा गिरा है। कौन बोला आपको दौलतपुर ले जाए कचरा फेंकने के लिए? हम कुछ जेसीबी चला रहे हैं भैया, हम टिपर नहीं चला रहे। तो, नहीं नहीं कोई तो बोला होगा ना जेसीबी लेके जाइए। गाड़ी वाला जो है गाड़ी वाला से बोला होगा लोग कि यहाँ पर कचरा भराना है चाहे कुछ है। कौन मैंने आपको? नगर निगम से कोई नहीं बोला आपको? नहीं निगम से नहीं है, जमीन वाला जिसका है भैया वही बोला होगा। जमीन वाले मंगाए हैं? जमीन वाला नहीं मंगवाए हैं, जैसे गाड़ी से कचरा गिरा है। जो पूछ रहे हैं ये बताइए ना, आप लंबा चौड़ा आप कहे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताइए कि जमीन आपको गाड़ी ये कौन भेजा यहाँ पे? गाड़ी हमको तो विदा किया है कि जो वहाँ पर कचरा गिरा है रोड पर आ रहा है तो टार के किनारे कर देना है यहाँ पर, हम अपना गाड़ी लेके हाँ जी। नगर निगम का थ्रू आप आए जी? नगर निगम से क्या मतलब कि कौन अधिकारी कोई भेजे आपको या कौन भेजे नगर निगम से? सुपरवाइजर गुड्डू है, वो बोला कि फलना जगह गाड़ी कचरा गिरा रहा है जाके उसका टार दीजिए। नगर निगम के सुपरवाइजर गुड्डू जी, जरा देखिए कि इस तस्वीर में रहना कितना मुश्किल है और ये कचरा देखिए कैसे फेंका जा रहा है, प्लास्टिक सबसे ज्यादा है। क्या ये डिस्पोज हो पाएगा कभी ये प्लास्टिक इतना जल्दी? रोड पे आप फेंक दे रहे हैं, मिट्टी तक इसके ऊपर नहीं डाल रहे हैं और ऐसा ही फेंक दे रहे हैं। भैया एक मिनट आप बता दीजिए, दो मिनट, ये कचरा आ रहे हैं इतना बदबू मार रहा, बर्दाश्त कर पा रहे हैं? तो मान लीजिए सर हम लोग का ये बताइए ना बर्दाश्त, आप ये बताइए ऑर्डर नहीं, आप सबसे पहले बात बताइए कि क्या आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं इस बदबू को? कचरा किससे बर्दाश्त होता है? नहीं होता है। किसके निगम से आदेश मिला था? निगम से आदेश मिला था जी, तब लाके फेंक रहे हैं आप जी? अपना मन से हम कहीं अपने मन से कहीं नहीं गिराते हम लोग। अच्छा हाँ, मान लीजिए अपना मन तो अपने मन से ये लोग नहीं निभाते हैं, ये एक नौकरी निभाते हैं। आप इधर आइए और उधर दूर हटते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इतना कचरा फेंका जा रहा है इस दौलतपुर के पास में कि पास में देखिए एक गांव है पास में, और इस गांव के जितने बच्चे जाएंगे तबीयत एकदम खराब होगा उनका, क्योंकि इतना कचरा हम इधर से जा रहे थे इस रास्ते से तब आरा नगर निगम की जो लापरवाही है साफ इधर दिख रही है। तो आइए इस रोड से जो लोग जाते हैं काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रहा है यहाँ से,
और पहले से भी काफ़ी फेंका गया है, इस पर मिट्टी तक नहीं डाला गया इस कचड़े पर कि मिट्टी उसको ऊपर से डाल दिया जाए, कि किसी ऊपर से मिट्टी तक नहीं डाला गया, अगर मिट्टी डाल दिया जाता तो इसकी बदबू इतना नहीं आता। और ये सरकारी ज़मीन है, ये नहर टाइप का है, आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं भैया, और ये कचरा यहाँ पर रोड पर फेंका जा रहा है, इसका आप लोग मतलब आवाज़ विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कचड़े को ऐसे ही खुलेआम फेंक दिया जा रहा है, इतना बदबू आ रहा है कि वहाँ पर बर्दाश्त हम नहीं कर पा रहे। वो तो हम इधर से जा रहे थे कि वो देख लिए कि कचरा इधर रोड पे फेंका जा रहा है। देखिए विरोध तो होता है, ऐसा बात नहीं है कि विरोध नहीं होता है। कहाँ पर विरोध करते हैं जाके? यहीं पर विरोध हम लोग करते हैं। कब किए थे विरोध? 6-7 दिन पहले। हाँ। या जो गिरा हुआ था ये रोड पर, हम लोग विरोध किए थे। कि तो क्या हुआ था विरोध करने के बाद? विरोध करने के बाद ये बोला कि जैसे भी आएगा तो उसको हटा देगा। तो जैसे भी हटा कहा रहा, वो तो और बराबर कर रहा है जैसे भी, और इसको भर रहा है इसको ला के यहाँ पे। वो तो सब आपके आप तो अपने सामने देख रहे हैं। मेरे सामने जो हम तो देख ही रहे, आप भी देख रहे हैं, हर एक कोई देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कब तक आवाज़ उठाएंगे? मान लीजिए हम लोग का जिम्मेवारी है, हम लोग तो मान लीजिए जा रहे हैं देख रहे हैं, हम लोग तो आते हैं फिर दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवारी तो आप लोग का ना, आप लोग का गाँव है यहाँ पे, आपके आप जाते हैं, आपके परिवार वाले जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे, तबीयत उनका खराब होगा, क्योंकि ये तो ये क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक जल्दी डिस्पोज होता नहीं है। नहीं ये तो बात सत्य है, तो इसका आवाज़ आप लोग उठाइए। और भी कुछ ए बाबू रुक जाओ, तुम लोग इसी रास्ते से आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? कौन सा गांव है आपका? बलुआ। कितना दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है। हाँ। तो ये कचरा तो पूरा बदबू रोज मारता है यहाँ पे। हाँ बहुत। आप अपने गार्जियन से बोलते क्यों नहीं कि कचरा के खिलाफ में आवाज़ उठाएं? हाँ ये तो बात सही है। नहीं बोलते हैं गार्जियन से? क्यों नहीं बोलते हैं? कैसे हम लोग उस पार्टी जाते हैं, तो इसी पार्टी से जाते हैं ना, कभी कल जाते हैं इस पार्टी, कभी कल जाते हैं। तो आखिर बोलिए आप लोग। एक और भाई साहब बाइक से आ रहे हैं इसी रास्ते से, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ये कचरा यहाँ पे फेंका जा रहा है, इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? नगर निगम से कचरा ला के यहाँ पे उनसे बात कर लीजिए, सीनियर लोग से बात कीजिए, मतलब हम लोग का बच्चा लोग क्या कर सकते हैं, जब सीनियर ही लोग ना बोल रहे हैं लोग तो। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या, इसी गांव के? ये कचरा फेंका जा रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ सर मालिक का अभियान सफाई में बनी जाए, ठीक बा? अभियान सफाई में है और यहाँ सफाई हो रहा है, और अपने आप गांव का कचरा यहीं पे आपका नगर निगम का गांव के पास करेंगे मालिक? हमने के उधर रहते हैं ये सब पर्यट रहा है, तो मालिक गाँव का हम दिल चाहिए, अब हम कतनों बानी तो मालिक नोजे अब अथी लेके तब क्यों बनी है, मैं क्या कर सकती है, वो बूढ़ा आ रहा है उसी से बोले ना। बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिए चाची मुँह ढक के जा रही है, आप मुँह ढक के जा रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, ज्यादा गंदगी वहाँ करा हुआ है, चलता हम दिखते हुए जाता, तबियत खराब होता है, दो दिन से गए नहीं। कौन सा गांव है आपका? दौलतपुर बलुआ। मतलब इसी रास्ते से जाते हैं यहाँ से? कितना दूर है दौलतपुर बलुआ? ये बलुआ है, उस दौलतपुर है। अच्छा इस गांव का नाम बलुआ है। तो आइए एक बाबा आ रहे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, इसी गाँव के बुजुर्ग हैं, क्योंकि बच्चे तो बोल रहे हैं कि गैर जीवन का काम है इस कचरे को लेकर आवाज़ उठाना। देखिए कितना कचरा फेंक दिया गया है, लगता है काफ़ी दिनों से यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, वो तो हमारी नज़रें यहाँ पे आई। बाबा आप इसी गांव के रहने वाले हैं, कौन सा गांव है आपका? बलुआ। तो कचरा यहाँ पे फेंका जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? कहाँ हम सवाल क्यों, तबीयत नहीं ख़राब हो रहा है? मान लीजिए काफ़ी लोग जा रहे हैं, मुँह ढक के जा रहे हैं, चलिए नहीं बोल पा रहे हैं। और एक चाचा आ रहे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, और आप लोग इस कचरे के खिलाफ में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतना कचरा पड़ रहा है कि जो भी माँ बहने और भी जो लोग जा रहे हैं वो मुंह ढक कैसे जा रहे हैं। देखिए कचरा, देखिए किस तरीके का कचरा, ये डिस्पोज होगा कभी? हाँ, डिस्पोज तो होगा नहीं, तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस कचरे के खिलाफ में? तो अब तो सब लोग के जो जमीन वाला है वो कहना चाहिए। यहाँ पे रुकना काफ़ी है, क्योंकि लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे गिरा रहे हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए कि आखिर वो क्यों गिरा रहे हैं। हमारा काम था दिखाना, हम जा रहे थे, हमने दिखाया इस चीज़ को। इस पंचायत के मुखिया आखिर कहाँ पे सो रहे हैं? इस पंचायत के मुखिया यहाँ पर आके, क्योंकि आज ये कोई नई बात, नई तस्वीर सामने नहीं आ रही है, इस पंचायत के मुखिया का दायित्व तो बनता था कि हम इस कचरे पे जब गिराया जा रहा तो उस पर रोक लगाएं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, और भी कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कचरा यहां पे गिराया जा रहा है, काफ़ी दिनों से गिराया जा रहा है, आप देखिए कोई आज नया कचरा नहीं गिराया जा रहा। वो तो हम लोग इधर से जा रहे थे, तो हम लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको क्यों नहीं, इस आवाज़ को उठाते हैं कि कचरा क्यों? आप रुक जाइए 5 मिनट, अब हम लोग का मुखिया ना बताएंगे। आपने मुखिया से आप नहीं बोलिए कहे कचरा फेंका जा रहा है, वोट आप नहीं दिए मुखिया को? हम लोग तो दिए हैं, तो दिए, तो मुखिया से क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कचरा क्यों लाकर फेंका जा रहा है दौलतपुर यहाँ पर रोड पे हाईवे पे? वो तो कहा जा रहा है। हाँ
उसका निर्णय वही बाबा बताएंगे। और ये जमीन वाले ये लोग कहाँ हैं जो आसपास के जो जमीन वाले हैं वो लोग नहीं मना करते हैं? वो लोग नहीं मना कर रहे हैं। वो चलिए वो तो भाग गया, लगता है उनको नहीं बोलना था, लगता है वो। अब बाबा आप भी तो इसी गांव के रहने वाले हैं तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप लोग सामने आएंगे तब तो कचरा वाला फेंकने का जो मनमानी है वो रुकेगा। तो ये सब मुखिया के ना चाहे। अरे तो चाहे तो मुखिया के तो वोट आप ही दिए हैं ना। हाँ तो जमीन वाला और कुछ लोग जा रहे हैं, लगता है कि ये लोग तो मतलब भैया आप तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप ही के लिए हम लोग आवाज़ आप लोग नहीं उठाइएगा, आप लोग सामने नहीं आएगा, इसी कचरा फेंक के कोई चला जाएगा और उसका उसका हर जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग का घर यहाँ पे पास नज़दीक में, मेरा घर नहीं है यहाँ पे, घर आप लोग का है यहाँ पे, आप लोग इस रास्ते से जाते हैं, हम मेरा घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन घर आपका यहाँ से मान लीजिए कितना कितना दूर होगा आपका यहाँ से घर कितना दूर होगा यहाँ से? यहीं यहीं पे पास में ही है, बलुआई है। बलुआई है। अब बताइए यहाँ पे पूरा यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है और यहाँ पे इतना बदबू है कि खड़ा नहीं हो सकते, उल्टी करने का मन कर दे रहा है। आपके गांव की जो चाची है बहन है वो जा रही है मुंह ढक के से जा रही है यहाँ पे। अब बताइए ये तो बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और आप देखिए अब तो ऐसे भागिए मत, आप लोग आवाज़ उठाइएगा तभी रुकेगा, तभी यहाँ पे रुकती नहीं है। हम तो जा रहे थे क्लास ले करके जा रहे थे घर, तो हमको लगा कोई और मैटर है क्या, किस बात कोई और मैटर नहीं, यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, इससे बड़ा मैटर क्या हो सकता है? ये तो बहुत ही गलत है और आप लोग ये प्लास्टिक है, डिस्पोज होगा जल्दी नहीं होगा। आप क्लास आप मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, कहाँ से गिर रहा है आपको पता है कौन? आरा नगर निगम से यहाँ पे कचरा आ रहा है, आरा नगर निगम की गाड़ियाँ सब आके यहाँ पे कचरा गिरा रही है, जेसीबी इसको लाके बराबर कर रहा है यहाँ पे कचरा। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, आप देखिए। अब हम लोग तो आज जा रहे थे तो हम लोग देख लिए, तो चलिए होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए आप यहाँ के जो लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और वो आकर इसके लिए आवाज़ उठाएं, तब जाके इस पर लगाम लगेगा। और इस पंचायत के मुखिया और आरा नगर निगम के मेयर, आप देख गाड़ियाँ यहाँ पर आती है और इन लोगों के ज़मीन के आसपास में फेंकती है। आखिर ज़मीन वाले चलिए वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, आखिर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं इस पंचायत से, इस रास्ते से, जो माँ बेटी या जो लड़के हैं या यहाँ के जो लोग हैं वो जा रहे हैं तो किस तरीके से मुंह ढक के जा रहे हैं, ये आपके आरा नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने कचरे को जहाँ तहाँ न फेंके। अगर कोई बोलता भी है कि मेरे ज़मीन में आकर आप कचरा फेंकिए, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर मिट्टी डालें और तब जाके कचरा फेंके, ये सब चीज़ें करें। लेकिन आप कम पैसे की वजह से जहाँ मन तहाँ कचरा फेंक रहे हैं, पैसा आता है लेकिन उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आरा नगर निगम के जो मेयर वर्तमान में बैठे हुए हैं, यहाँ की जनता ने आपको मेयर बनाया है कि आप आरा नगर निगम को एक स्वच्छ बनाइएगा और आरा नगर निगम में एक आकर एक आप बदलाव कीजिएगा। लेकिन आरा नगर निगम के अधिकारी आप भी देखिए कि कितना सरासर गलत हो रहा है यहाँ दौलतपुर के लोगों के साथ, और दौलतपुर पंचायत के मुखिया ज़रा आप भी देखिए कि यहाँ के लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है और ये आने वाले समय में कई सारी बीमारियों को दस्तक देगा। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं आवाज़ उठाने के लिए सामने आए और यहाँ के जो मुखिया है वो सामने आए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पे FIR करें और आरा नगर निगम के जो मेयर बैठे हुए हैं वो देखें कि आपके जो लोग हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, आपके आदेश आपके अधिकारियों के आदेश पर लाकर कचरा फेंका जा रहा है यहाँ पर। जय हिंद।